तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सिलेक्शन कोचिंग। आपका अपने चैनल सिलेक्शन कोचिंग में एक बार फिर से सबका वेलकम करते हैं स्टूडेंट। और इसके पहले हम लोग चैप्टर्स 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं, ये चैप्टर 10 होगा जो कि प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट लगा दूंगा, सारे वॉच करिए। आपका जो टाइम है वन मंथ अभी बचा हुआ है, वन मंथ से ज़्यादा ये है, आप अच्छा कर सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। बात करते हैं चैप्टर 10 जिसमें एवरेज है, ठीक है। तो एवरेज की मैं बात करता हूँ और बहुत ही इजी भी हम लोग एवरेज समझेंगे। एवरेज इसको बोलते हैं औसत, औसत। देखिए औसत है क्या, औसत क्या होता है, औसत का मतलब होता है सब में बराबर बराबर चीज बांटना। औसत का मतलब होता है प्रत्येक को एक बराबर बराबर चीज़ मिलना। हो सकता है किसी के पास कम हो सकता है किसी के पास ज़्यादा हो, लेकिन सबको जोड़कर हम क्या क्या कर देते हैं, सबको बराबर बराबर दे देते हैं, हिस्सा को बराबर बराबर बांटना, ये होता है एवरेज। तो यहाँ से ये बांटने का तरीका, जैसे मैं कहूँ 5 है, 4 है, 3 है, ठीक है, और मैं मान लेता हूँ 2 है, ये है आपके पास, और सबको बराबर बराबर बांटना है और सबको बराबर बराबर देना है। तो आप कहेंगे सर अब क्या करें, हम सबको 4 लोग हैं, ये मान लेते 4 व्यक्ति हैं, एक के पास 5 रुपये था, मान लेते 5 रुपये था, दूसरे के पास 4 रुपये था, 3 रुपये, 2 रुपये, और सबको बराबर बराबर कटना है कि सबके पास बराबर बराबर हिस्सा हो जाए। तो आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे सर ऐसा करना थोड़ा से पॉसिबल नहीं लग रहा है, थोड़ा दिक्कत हो रही है, तब क्या करेंगे आप सभी को जोड़ लेंगे और जितना नंबर आ रहा है उसे से भाग दे, ठीक है, जोड़ लीजिए। तो 5 4 9 3 12 2 14, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 5 4 9 3 12 2 14। अब 4 से भाग लगाएंगे जो आंसर आएगा, जैसे 4 से भाग लगाइए तो 4 तीन कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 तीन 12 हो जाएगा, कितना बचा 2, तो 20 हो जाएगा, तो 4 बच्चे 20। तो ये 3.55 क्या है, सबको बराबर बराबर, अभी जितना पैसा मिला कर था अब सबको अगर दिया जाए तो 3.5 3.5 सबको दिया जाएगा, तो बराबर बराबर सबके पास हो जाएगा चारों लोग के पास, क्योंकि टोटल जोड़कर 14 रुपये था, अब सबके पास 3.5 हो गया, यही हमारा औसत। तो इससे एक फार्मूला निकल के आता, अभी हम लोग क्या किए, सभी पद को जोड़े हैं और जितने लोग थे 4 लोग थे, 4 लोग का पैसा था, 4 से भाग लगा दिए, तो यहाँ एवरेज बराबर या औसत बराबर, औसत या एवरेज बराबर स्टूडेंट, एवरेज बराबर एक फार्मूला निकल के आता है, क्या निकल के आता है, ठीक है, पदों का योग। ये पदों का योग से मीन्स क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, सॉरी सम ऑफ टर्म्स। देखिए जितने पद थे, ये 1 2 3 4 ये पद हैं, और पदों की संख्या यही औसत है, ठीक है, बोल सकते हैं इसको सम ऑफ टर्म्स अपान में हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स, ये एवरेज का फार्मूला हो जाएगा। तो सिंपल से आपको समझना है कि एवरेज है क्या, सभी पद को जितने भी पद हों स्टूडेंट जोड़ दीजिए, और जितने नंबर हों, जितने भी पद को जोड़े हैं, जितने भी नंबर दिए हों उससे भाग लगा दीजिए। तो अब एग्जांपल एक दो ले लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से एक फार्मूला और बनता है बच्चों, देखिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। जैसे हमें पदों का योग निकालना है, तो पदों का योग निकालने, अभी इसका बहुत यूज है इसलिए मैं बता रहा हूँ, अब अगर हमें पदों का योग निकालना है तो बताइए क्या होगा, ये पदों की संख्या किसमें गुणा होगी, औसत में। तो हम लिखेंगे यहाँ पदों की संख्या इज इक्वल टू औसत। इसका मतलब औसत में हम किससे गुणा कर देंगे, औसत में निगुणा कर देंगे पदों की संख्या से। जैसे 5 संख्याओं का औसत 20 है, तो योग क्या होगा, 5 गुणे 20, 5 क्या है संख्या हो गई और औसत क्या था 20 था, तो 5 गुणे 20 100 हो जाएगा आपका योग। तो ये था, ये कुछ बेसिक चीज़ है जो हमें इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो नोट डाउन करते जाइए आप लोग, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए ज़रूर। एक दो एग्जांपल लेते हैं औसत निकालने के लिए, कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभी एक एग्जांपल लिए थे,
जैसे मैं आपसे बताऊं, दो ले लीजिए, चार छः आठ का औसत हो सकता है, एक तीन पाँच सात का औसत हो सकता है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस का औसत बोल सकता है, का औसत क्या होगा? तो कुछ एग्जांपल लिए हैं तो आपको समझने के लिए, बेसिक आप लगाइए, बेसिक क्या है, फिर पदों को जोड़ेंगे। जैसे आपका पहले इसका निकालना हो तो क्या, पहले जोड़ लीजिए, दो प्लस चार प्लस छः प्लस आठ बटे कितने पद हैं, एक दो तीन चार पदों की संख्या, संख्या चार है। अब इसी से आंसर निकल आएगा, यही हमारा औसत निकल आ जाएगा बच्चों, औसत निकल आएगा कि नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। तो कहेंगे सर जोड़ लीजिए, तो छः आठ कितना हो जाएगा, छः छः बारह, बारह आठ बीस हो जाएगा, बीस हो जाएगा, और बीस में चार से भाग लगा देंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, पाँच। तो औसत कितना निकल कर आ गया, पाँच। इसको भी समझ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए तो हो जाएगा एक प्लस तीन प्लस पाँच प्लस सात बटे चार पद है तो चार से ही भाग लगा दें। अब अगला पद भी ले सकते हैं, नौ ले लिए, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, नौ जोड़ेंगे, और बच्चों अब पद कितने हो गए, तो कहेंगे सर पांच पद हो गए, तो यहाँ पांच से भाग लगाएंगे। बस सिंपल सा रूल समझिए, पदों को जोड़ दीजिए, जितने भी हैं उसको जोड़िए, कितनी संख्या है, तीन दो पाँच है तो पाँच से भाग लगा देंगे। तो अब देखिए इसको, तो हो जाएगा बच्चों पाँच है तो पच्चीस हो जाएगा, जोड़ेंगे और आ जाएगा पाँच, पाँच पचम पच्चीस आ गया औसत इसका पाँच, ठीक है। तो औसत कितना हो गया, पाँच, इनको जोड़िए। हम लोग कहाँ तक लिए, दस तक लिए, तो दस तक जोड़ना है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, और बटे जितने पद हैं, दस पद हैं, दस से भाग लगा दीजिए, औसत निकल आएगा। तो भाग लगाइए, देखिए तो इनको जोड़ते हैं, आप जोड़िएगा, दो एक तीन, तीन तीन छः छः चार दस, ठीक है, दस पाँच पंद्रह, पंद्रह छः इक्कीस, इक्कीस सात अट्ठाईस, अट्ठाईस में आठ जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बच्चों, छत्तीस, और छत्तीस में नौ जोड़ेंगे, छत्तीस में नौ जोड़ेंगे पैंतीस, पैंतीस में दस जोड़ेंगे पचपन, तो पचपन बटे कितना हो जाएगा बच्चों, दस, तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 5.5, ये औसत आ जाएगा। ये था एकदम बच्चों बेसिक तरीका कि हम सभी को जोड़े और सभी से भाग लगा दिए, जितने पद थे उसी से भाग लगा दिए। एक दूसरा भी मेथड आता है, उसको आप अगर फोकस करें तो यहाँ देखिए सब में बच्चों अंतर समान है। देखिए दो में से दो जोड़ा चार, चार में दो जोड़ा छः, छः में दो जोड़ा आठ, तो यहाँ आप देख रहे सम संख्या है, तो सम में अंतर दो दो का है। अगर यहाँ देखें तो दो का अंतर, दो जोड़ा दो जोड़ा दो जोड़ा दो जोड़ा, तो ये दो दो का अंतर दिख रहा है, और यहाँ एक जोड़ा एक एक एक। जब बच्चों अंतर समान हो तो आप इससे भी जल्दी कर सकते हैं, कहेंगे सर क्या है, तो बता देते हैं। अगर अंतर समान होगा तो सबके लिए एक तरीका हो जाएगा, और उसको समझ लीजिए बहुत ही आसानी से। हम यहाँ लिख दे रहे हैं औसत बराबर, इसको आप लिख लेंगे जब बच्चों अंतर समान होगा, औसत बराबर यहाँ लिखेंगे जब जब कॉमन डिफरेंस या सर्वांतर बोल सकते हैं, अंतर समान हो, अंतर समान का मतलब पदों का अंतर समान हो, तो क्या हो जाएगा, पहला पद फर्स्ट टर्म्स, पहला पद प्लस अंतिम पद प्लस अंतिम पद बटे दो, ये लगा दीजिए बच्चों। जब अंतर समान होगा इसको अप्लाई कर दीजिए, सबसे इजी में आ जाएगा। देखिएगा इसका पहला पद कितना बच्चों, दो, और इसका पहला पद कितना, सॉरी अंतिम पद कितना, आठ, तो दो प्लस आठ कितना हो जाएगा यहाँ, तभी आप देखे थे इसका दस हुआ, दस का करेंगे तो कितना आ जाएगा, पाँच। अभी आप लोग भी पाँच ही निकाले थे, इसका निकाले थे, ठीक है। अब आगे का हो सकता है, अब इसको देखें तो बच्चों वन प्लस कितना, नाइन, बटे में क्या कर देंगे, दो, तो दो आ जाएगा, नौ एक, ये दूसरे का, तो पहला पद इसका और दूसरा अंतिम पद नौ, जोड़ देंगे तो कितना होगा, दस बटे दो, कितना आ जाएगा, पाँच। समझ पा रहे हैं आप, बहुत ही जिससे समझ पा रहे होंगे, ठीक है। ये था बच्चों मेथड। अगर जैसे प्राकृत संख्या अंतर समान था, जैसे अभी देखो मैं ये दे दिया जाए आपको, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टेन तक दे दिया जाए,
तो पहला पद एक और अंतिम पद दस, अंतर क्या है, एक एक का समान है, तो एक प्लस कितना दस बटे में दो, कितना आ जाएगा बच्चे ग्यारह बटे दो। अभी हम लोग इसको सॉल्व किए थे तो 5.5 आया था, आया कि नहीं 5.5। तो आप मुझे लगता है समझ गए होंगे इसको, बेसिक चीज़ आपके माइंड में आ गया होगा, औसत होता क्या है, एवरेज होता क्या है। सभी पदों को जोड़ देंगे, बटे दो कर देंगे, बटे दो नहीं करेंगे, जितने पद होंगे उससे भाग लगा देंगे। बट जब अंतर समान होगा बच्चों, तो पहला पद प्लस अंतिम पद बटे दो कर देंगे, ये भी आप कर सकते हैं। बाकी एक सबके लिए काम करेगा, जो सभी को जोड़िए, जितने पद हों उससे भाग लगा दीजिए, ठीक है। तो अब देखते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है और पहला क्वेश्चन विगत वर्ष के हम लोग करने वाले हैं प्रश्न को, तो इसमें दिया क्या है, अगर बेसिक से आप समझ जाएं तो क्वेश्चन यूं कर सकते हैं। हाँ, एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए, एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, देखिए समझिए। ऐसे मैं कहूँ पाँच है, आठ है, दस है और मैं मान लेते ग्यारह है का औसत क्या होगा। तो बेसिक तरीका है, देखिए अंतर समान नहीं होगा, जो कि पाँच में कितना जुड़ा तीन, तीन में आठ में से कितना जुड़ा दो, तो ये अंतर समान नहीं दिख रहा है, तो हम सभी को जोड़ेंगे बेसिक वाला, बटे क्या कर देंगे बच्चों चार पदे, तो चार से भाग लगा देंगे। अब देखिएगा इसमें आठ है कितना, पाँच आठ तेरह, तेरह में दस जोड़ेंगे तेईस, ठीक है, और तेईस में तेरह जोड़ दीजिए, तेईस में तेरह जोड़ दीजिए, तेईस में तेरह, तेईस और दस में हो जाएगा तैंतीस, चौंतीस हो जाएगा, ठीक है। और बटे में कितना आ जाएगा बच्चों, चार आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, कहेंगे बिल्कुल सर आ जाएगा बच्चों, चार फिर से जोड़ लीजिए एक बार, आठ पाँच तेरह दस तेईस, तेईस में दस जोड़ेंगे तो कहते हो जाएगा तैंतीस एक चौंतीस, चार से भाग लगाइए तो आ जाएगा चार सात अट्ठाईस, चार आठ बत्तीस, चार आठ बत्तीस कितना हो जाएगा दो, बीस हो जाएगा, चार पंचे बीस, आठ दशमलव पाँच आ गया आपका औसत, क्लियर है। अगर बच्चों हम प्रत्येक में एक घटा दें, प्रत्येक में एक घटा दिया जाए, अगर आपसे कह दिया जाए यदि प्रत्येक में एक घटा दिया जाए तो औसत क्या होगा, अगर प्रत्येक में एक घटाने का मतलब है बच्चों पाँच में से एक घटा देना, आठ में से एक घटा देना, दस में से एक घटा देना और ग्यारह में से एक घटा देना, घटाने के बाद क्या आ जाएगा बच्चों चार, यहाँ आ जाएगा बच्चों सात और यहाँ आ जाएगा बच्चों नौ, यहाँ बच्चों आ जाएगा दस, एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। अब औसत क्या होगा, सभी को जोड़ लीजिए और चार से भाग लगाइए, तो जोड़िए सात छः तेरह, सॉरी सात चार ग्यारह, ग्यारह में से नौ जोड़ेंगे तो बीस, बीस दस तीस, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों तीस, तीस बटे चार, अब यहाँ आ जाएगा चार सत अट्ठाईस, दो बचा चार पंचे बीस, देख रहे हैं औसत सात दशमलव पाँच आया। अगर बच्चों देख रहे हैं हम कि यहाँ सब में एक घटाया गया, एक माइनस किया गया, एक माइनस किया गया, तो क्या औसत आठ दशमलव पाँच था, तो क्या औसत भी एक घटा है क्या बच्चों, माइनस औसत भी एक घटा है क्या, औसत भी एक घटा है क्या, कहेंगे सर एकदम सही बात है, अगर हम प्रत्येक संख्या में जितना घटा रहे हैं उतना औसत भी घट जाता है। देखिए अगर हम पहले कुछ नहीं घटाए थे तो औसत आठ दशमलव पाँच आया था, और जब सब में एक एक घटा दिया गया, देखो पाँच में से एक घटाया चार आया, आठ में से सात, सब में एक एक घटाया गया, देखो चार हो गया सात हो गया, तब औसत कितना आया सात दशमलव पाँच, इसका मतलब औसत आठ दशमलव पाँच से सात दशमलव पाँच कैसे बना होगा बच्चों, एक घटाया गया होगा। इससे आपको ये चीज़ मिलता है कि औसत में जितना जितना प्रत्येक संख्या में अगर घटाएगा तो औसत भी उतना घट जाएगा, जितना और जोड़ेगा उतना ही औसत जुड़ जाएगा। तो इसको नोट पॉइंट करके एक बार लिख लीजिए, ये कॉन्सेप्ट अगर समझ गए तो पहला क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट था, इसीलिए आप बहुत अच्छे समझ पाएंगे। यहाँ नोट डाउन कर लीजिएगा, यदि लिखेंगे जितना प्रत्येक संख्या में, प्रत्येक का मतलब ही होता है औसत बच्चों, प्रत्येक संख्या में, संख्या में जोड़ा या घटाया जाएगा उतना ही
औसत जुड़ेगा या घटेगा, इसका मतलब क्या हो बच्चों? जितना हम प्रत्येक संख्या में घटाएंगे या जोड़ेंगे उतना ही औसत घटेगा। जब जोड़ेंगे तो औसत जुड़ेगा, औसत में उतना जोड़ देना हमारा आंसर हो जाएगा, और जितना घटाएंगे उतना औसत में घटा देना हमारा आंसर हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए तो पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। कह रहा 20 समानों का औसत 18 है, 20 समानों का औसत 18 है। कह रहा यदि प्रत्येक समान में, प्रत्येक समान का मतलब प्रत्येक संख्या, प्रत्येक समान से 3 घटा दिया जाए तो समानों का नया औसत। बताइए अगर हम प्रत्येक संख्या में घटाएंगे या प्रत्येक समान में घटाएंगे तो औसत भी उतना घट जाएगा जितना हम समान में घटा रहे हैं। तो 3 घटा रहे हैं तो आप तुरंत क्या कर दीजिए बच्चों, पहला जो औसत 18 था उसी में 3 घटा दीजिए, हमारा नया औसत आ जाएगा, नया औसत आ जाएगा, नया औसत। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा ये तरीका होता है बच्चों। आ गया कि नहीं आंसर? आ गया, 15 आ गया। आ गया बच्चों, अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन अब यूं कर सकते हैं, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में क्या कह रहा है, परिणाम दिया हुआ है और इसका औसत निकालना है। देखिए बच्चों औसत निकालने का तरीका मतलब वही रहेगा आपका, सभी को जोड़ लीजिए, 434 प्लस 323 बच्चों प्लस 290 प्लस बच्चों 401, तो जितना था बच्चों बटे में क्या आप देखिए ये था हमारे पद, हम सब कुछ जोड़ दिए, पदों का योग बटे पदों की संख्या, चूंकि यहाँ अंतर समान नहीं है बच्चों, देखो अंतर समान नहीं है तो हम सबको जोड़ देंगे और 3 और 2 5 से भाग लगा देंगे, हमारा नया औसत आ जाएगा। जोड़िए तो 7 और 4 11 और 11 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 14 14 में से एक जोड़ देंगे तो 15 15 की 5, क्लियर। और यह आ जाएगा 7 6 6 3 9 9 2 11 11 में 9 20 20 में 0 जोड़ेंगे तो 20 होगा, और एक जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा। कैरी कितना, 2 आ जाएगा, 5 या 9 3 12 12 2 14 14 4 कितना हो जाएगा, 18, और 18 में कितना आ जाएगा बच्चों, 18 18 में 2 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा, बटे में क्या बच्चों, 5। अब इसको भाग लगाएंगे तो 5 6 को 20, 0 5 3 15, तो 403 आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, औसत हो जाएगा, और ऑप्शन चौथा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पिछले बार में इस चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा 20 प्रेक्षणों का माध्य, माध्य का मतलब बच्चों ध्यान देना है, एवरेज की बात कर रहा है, औसत की बात कर रहा है। माध्य 65 पाया गया, किंतु बाद में यह पाया गया कि 69 के स्थान पर 96 पढ़ लिया गया, इस प्रकार सभी सही माध्य कितना होना चाहिए। अब बच्चों ऐसा क्वेश्चन जब आ जाए तो थोड़ा से फोकस करो, फोकस ये करो कि पहले आप इसको बहुत ईजी वे में कैसे कर सकते हैं, पहले बेसिक समझ लीजिए, बेसिक क्या है। बेसिक थोड़ा सा आपका टफ हो सकता है, इसीलिए मैं बेसिक लिख दूंगा, बट आपको करना ही पड़ेगा। 20 प्रेक्षणों का क्या निकालेंगे बच्चों, ए योग निकालेंगे, प्रेक्षणों का योग, और योग निकालने का तरीका आपको क्या है बच्चों को बताएं, योग बराबर क्या होता है, संख्या, कितने प्रेक्षण थे, 20 थे, हमारी संख्या हो गई, गुणे में औसत, औसत कितना था 65, इनका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 65 × 130 हो जाएगा आपका 1300 रुपये हो गया, मान लीजिए 1300 है, ठीक है। 69 के स्थान पर 96 पढ़ लिया गया, इसका मतलब इसमें मिस्टेक कर दिया उसने जो उसको 69 पढ़ना था उसने पढ़ लिया 96, इसका मतलब बताइए 69 पढ़ना था, अब पढ़ लिया इसने 96 मतलब 96 पढ़ लिया, तो मतलब इसने ज़्यादा पढ़ा क्या, और हमें कम लेना चाहिए था, अब इसमें हम लोग ज़्यादा ऐड कर लिए होंगे क्या, सिंपल सी बात है, अगर मुझे 10 लेना था और हम गलती से 15 ले लिए या 1 ले लिए, मान लीजिए हमें 12 लेना था, उल्टा ही हमेशा देगा, 12 लेना था और मैं 21 ले लिया, तो बताइए हम ज़्यादा ले लिए क्या, कितना ज़्यादा ले लिए, 21 में से 12 घटा लेंगे हमें पता चल जाएगा, तो अब जितना ज़्यादा लिया हमें ज़्यादा की ज़रूरत नहीं थी, तो हम इसमें माइनस कर लेंगे और 20 से भाग लगा देंगे, तो माइनस करिए देखिए, तो 96 ले लिए तो कितना ज़्यादा ले लिए पहले माइनस करो, तो यहाँ हो जाएगा 16, ठीक है, 16 हो जाएगा, 16 में 9 हो जाएगा तो 9 7 16, ठीक है,
हमें चलेगा 8 बच्चों, 8 में से कितना जाएगा 2, 6 जाएगा, ठीक है, सही, सॉरी यहाँ बचा था, हाँ ठीक है। अच्छा यहाँ बच्चों एक मिनट रुको 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 रुको, ठीक है, ये 16 हो गया बच्चों, 16 में से 9 गया तो 7 आ गया बच्चों, 8 बचा, 8 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, 27, इसने 27 ज़्यादा ले लिया था, 27, तो 27 इसमें माइनस कर दीजिए तो सही योग, ये सही योग है, सही योग है, ठीक है। हम लोग इसके पहले रॉन्ग लिए थे तो माइनस कर दीजिए, आ जाएगा बच्चों यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा, सॉरी 7 आ जाएगा, और यहाँ बचेगा 12, इतना आपका योग आ गया। तो कहेंगे सर इतना योग आ गया तो हम इसी में भाग लगा देंगे, तो सही औसत, ये हमारा योग है बच्चों, ये सही योग है, और हमें प्रेक्षण कितने थे, संख्या 20 थी, अब इसी से भाग लगा दीजिए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कर लें तो अगर 20 छक्का 120 और आ जाएगा बच्चों कितना 73 हो जाएगा, तो 20 तीन 60 हो जाएगा। तो अभी देखिए तो 60 दशमलव करके कोई दे रहा है, सर 63 दशमलव, तो 63 दशमलव पहला ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन में दिया है, तो आप पूरा ना करके इतना तुरंत लिख लेंगे बच्चों, ये तो हमारा सही आ जाएगा, फिर पूरा कंप्लीट करने की क्या ज़रूरत है। अगर हम 65 तक पहुंच गए, सिर्फ एक ही ऑप्शन में 65 है तो हम पहला ऑप्शन चुन लेंगे, सिंपल सी बात है। अच्छा बच्चों दो दो ऑप्शन में 65 है, ओके ओके, पूरा करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा, तो दो दो ऑप्शन में है ना 65 दशमलव, पहला ऑप्शन चौथा ऑप्शन, तो दशमलव लगा दीजिए, 65 20 60 13 बचा, अब 13 बचा है बच्चों 130 हो जाएगा, तो 20 छक्का 120, फिर एक छक्का करेंगे तो ये मतलब 6 आ गया। आप बताइए, अब तो हम कर सकते हैं 6 5, हाँ तो अभी पहला ही ऑप्शन जाएगा, क्योंकि पहले चौथे ऑप्शन में है 65 दशमलव 95, 9 ज़्यादा है, इसमें 6 है, तो हमका यही हमारा आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। तो ये बेसिक तरीका है बच्चों, और कहेंगे सर शॉर्ट तरीका क्या है, शॉर्ट तरीका मैं बता देता हूँ, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, उम्मीद है आप नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए अगला करते हैं, इसी को कर लेते हैं, दूसरे एक मेथड से कर लेते हैं, मुझे उम्मीद है आपको वो भी पसंद आएगा बच्चों। जितना हम ज़्यादा लिए, जैसे हमारा औसत कितना था बच्चों, औसत था हमारा 65, अगर बच्चों हम ज़्यादा ले लिए हैं तो जितने लोगों से ज़्यादा लिए उनसे हम पैसा लेंगे और इसमें घटा देंगे। अब ये जैसे औसत आता है, जैसे 27 हमारा ज़्यादा है, क्योंकि हम 69 के स्थान बच्चों 96 ले लिए, हम कुछ ज़्यादा ले लिए, 27 ज़्यादा ले लिए थे, अभी हम लोग माइनस किए थे, ये 27 इन सभी लोगों में बटा होगा तो हम इसको इतना माइनस कर लेंगे, कितने लोगों में इससे बटा होगा, 20 लोगों में, इसलिए 20 से भाग दे देंगे, क्योंकि 20 लोग हैं, 20 प्रेक्षण, इसलिए 20 से भाग लगा देंगे। माइनस इसलिए कर रहे हैं बच्चों की ज़्यादा लिया गया था, अब इसको करिए अच्छे से, 5 से कर डिवाइड करेंगे तो 20 से भाग देंगे तो 20 × 5 = 100 हो जाएगा बच्चों, है ना, आप ऐसा भी कर सकते हैं 20 × 20, तो इसको हम डायरेक्टली कर रहे हैं, 5 से इसमें गुणा कर दीजिए बच्चों, 2 में दशमलव लगा दीजिए, तो 5 × 35 की 5 × 5 = 10 = 13 और 1 अंक पे दशमलव, ठीक है, और देख कर देंगे बच्चों 2 अंक पे दशमलव लगेगा, ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 65 है, और दशमलव यहाँ 00 लगा दीजिए, इसको माइनस कर देते, यहाँ आ जाएगा बच्चों 5, यहाँ बचेगा 9, और यहाँ बचेगा 6 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा आपका 64 में आ जाएगा 63। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, एक लाइन में भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा होगा तरीका, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चों, बहुत आसानी से हम लोग लगा पाएंगे, बस तरीका याद रखिएगा, प्रथम 4 विषम संख्या, बच्चों फर्स्ट और नंबर की बात करें, अगर प्रथम शब्द लगा दिया तो हम समझ जाएंगे बच्चों स्टार्टिंग से बात कर रहा है, मतलब विषम संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है, कहेंगे सर शुरुआत 1 से होती है, तो 1 3 5 7 यही प्रथम 4 हो गई। अब आपको बताएगा अंतर समान है क्या बच्चों, अंतर समान है क्या, अंतर समान है क्या, अंतर समान है, एक तरीका है बच्चों ऐसा कर लो 4/2, एक दूसरा तरीका क्या बच्चों, प्रथम संख्या पहला पद अंतिम पद 2/2, ऐसा भी कर सकते हैं, तो 8 हो जाएगा बच्चों 2/2 हो जाएगा तो आ जाएगा 4, और इसमें भी जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा, कर लीजिएगा उसको, तो आपका आंसर कितना आ गया बच्चों 4। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा प्रथम 5 सम संख्या, तो प्रथम 5 संख्या की बात कर रहा, 2 4 6 8 10, पहला पद प्लस अंतिम पद 2 + 10 बटे बच्चों 2, तो कितना आ जाएगा 12 / 2, तो कितना आ जाएगा बच्चों 6, तो औसत कितना आ गया 6। ये क्वेश्चन नंबर कितना था बच्चों 5, बात समझ में आ रही है, तरीका समझ में आ रहा है बच्चों, पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं हम लोग
सिक्स की। तो ये क्वेश्चन काफ़ी चैलेंजिंग है, बहुत बच्चे प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए मैं तरीका जो सिखा रहा हूँ बच्चों, आपको मुझे लगता है बहुत आसान तरीका लगेगा, बाकी इसका बेसिक काफ़ी लॉन्ग है, इसलिए मैं ट्रिक से बताऊंगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। कह रहा है एक एक तिहाई, एक यात्रा यात्रा का एक तिहाई हिस्सा 25 किलोमीटर। यात्रा का एक तिहाई का मतलब बच्चों एक एक बटे तीन, तो कितना है बच्चों? कह रहा है 25 है, तो टोटल यात्रा मैं मान ले रहा हूँ बच्चों ए था, ए जो है एक तिहाई यात्रा कितनी में चल रहा है? एक तिहाई यात्रा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। हम इससे पूरी यात्रा करवाएंगे, जब बच्चों पूरी यात्रा करवाते हैं तो ये 25 यहाँ आ जाएगा, गुणे में जब एक बटे तीन आएगा तो 3/1 हो जाएगा बच्चों ये, तो हम एक हटा देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 75 किलोमीटर। ये आपको बताने के लिए इतना टाइम लग रहा है बच्चों, बहुत जल्दी कर सकते हैं। अब बी को मैं मान ले रहा हूँ, बी एक चौथाई है, तो बी अगर एक चौथाई है तो कितने समय में कर रहा है, कितनी चाल से चल रहा है? 30 की चाल से चल रहा है, तो हम इसको टोटल जब निकालेंगे बच्चों बी का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4/1 बच्चों, इसका गुणा कर लेंगे कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा, तो दूसरा आ जाएगा 120 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो रहा है आपकी बातें? अब बच्चों शेष कह रहा, तो आपके लिए थोड़ा शेष निकालना चैलेंजिंग है, बिल्कुल नहीं है बच्चों। एक हिस्सा 1/3 था, दूसरा 1/4 था, दोनों को जोड़ लीजिए, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 1/3 प्लस 1/4, हम लोग शेष निकाल रहे हैं बच्चों, शेष भाग, तो हो जाएगा बच्चों 12 एलसीएम हो जाएगा, और 4 + 3 कितना आ जाएगा? 7/12, ये हमारा हो गया। अभी ये शेष भाग नहीं आया बच्चों, अभी हम जोड़े हैं, तो ये 12 भाग, अभी बच्चों हम लोग 7 भाग यूज कर चुके हैं, इन दोनों में 7 भाग यूज कर चुके हैं, ये टोटल 12 भाग था, 7 भाग यूज कर चुके हैं, तो बचा कितना? यहाँ -1 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, बचेगा कितना बच्चों? तो बचेगा सी का हिस्सा मान ले रहे हैं, तो 12 में अगर 7 भाग इन दोनों में यूज कर लिए बच्चों, तो बचेगा 5 भाग, 5 12 में 7 घटाएंगे कितना आएगा बच्चों? 5, तो 5/12 बच्चों, और वो कितना है? 50 किलोमीटर पर आवर, यही है शायद, एक बार देख लेते हैं, 50 किलोमीटर पर। हम टोटल इसकी निकालेंगे बच्चों, तो टोटल आ जाएगा 50 × 12/5, इसका व्युत्क्रम हो जाता है, इस तरफ आता है तो आपको पता है, तो 5 से काटेंगे तो 5 × 10, तो सी का हिस्सा आ गया बच्चों 120 किलोमीटर पर आवर, सी भी आ। अब बस हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, कहेंगे सर इतना टाइम तो लग रहा है बच्चों, ये तो ओरल माइंड में कर सकते हो, मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ, तो मैं तो डायरेक्टली लाइन लिखूंगा ना, आपको समझाने के लिए इतना है। चलिए अब इसको करिए, तो कहेंगे सर ए का हिस्सा है 75 किलोमीटर, और बी का हिस्सा है 120, सी का हिस्सा है 120, तीनों की बच्चों आप टाइम एंड वर्क वाला रूल लगाइए, एलसीएम ले लीजिए बच्चों, एलसीएम ले लीजिए, तो जब एलसीएम लेंगे बच्चों, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 600 बनेगा एलसीएम, 600, ठीक है। अब कितनी बार गुणा करेंगे ये 600 बन जाए, ठीक है, कितनी बार गुणा करें? 75 में भाग दीजिए, तो 75 में भाग देंगे 15 × 4 = 60, 15 × 5 = 75, ठीक है। अगर मैं 600 में भाग दूं 75 का, भाग दूं तो 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 60, और 5 से भाग देंगे 8 बार, मतलब 8 बार गुणा करने पर 8 बार जा रहा है, तो 8 से हम यहाँ गुणा कर देंगे, और ये 5 बार जाएगा, ये भी 5 बार जाएगा, हो गया। अगर बच्चों तीनों मिलकर की तीनों की चाल हमें निकालना है, अगर हमें टोटल स्पीड निकालनी है बच्चों, ये हमारा जो एलसीएम आता है ये डिस्टेंस कहलाता है, और ये टोटल हमारा टाइम कहलाता है, और हमें अगर बच्चों चाल निकालना है तो आपको पता है, सॉरी इस एवरेज स्पीड निकालनी है बच्चों, स्पीड निकालनी है तो बच्चा है दूरी बटे टाइम, और दूरी टोटल कितनी है? 600 माने हैं, 600 हमारा आया है, और हमारा समय कितना होगा? 8 × 5 = 13 × 5 = 18, 6 × 3 = 18 × 6 = 10, तो बच्चों आ गया आपका 100/3, और 100/3 का मतलब 33 + 1/3 किलोमीटर पर आवर बच्चों, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। बट अब आपको लग रहा होगा सर ये टाइम लग गया बच्चों, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए, आप डायरेक्टली 3 का गुणा करो, 4 का गुणा करो, बन गया तुरंत, आपको समझाना तो है ना इतना टाइम, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करा है, कह रहा है चार संख्याओं का औसत 40 है। तो पहले योग निकाल लीजिए, चार संख्याओं का योग, योग कैसे निकालेंगे, संख्या गुणे औसत। संख्या कितनी थी, चार थी, औसत कितना था बच्चों, 40 था, तो 40 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 160। तुरंत ऐसा कर लेंगे। आगे कह रहा है पहले तीन संख्या, बहुत ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, ध्यान देना बच्चों, तीन संख्या फिर इनका भी योग निकालिए। क्या करेंगे बच्चों, संख्या तीन है, तीन लिख देंगे, औसत कितना है बच्चों, एवरेज कितना है, तो कहेंगे सर तीन संख्याओं का औसत जो है, अच्छा पहले तीन संख्याओं का, पहले तीन संख्याओं का बच्चों योग ही दिया है, औसत नहीं दिया है, योग दिया है, तो हम योग ही लिख देंगे बच्चों, योग ही दिया है, औसत दिया होता तो ठीक है, कह रहा ना बच्चों पहले तीन संख्याओं का योग, हमें योग ही चाहिए था, तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों 75 है। और अंतिम संख्या निकालने की बात करेगा, चौथी संख्या निकालने की बात करेगा, तो माइनस कर दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 5, यहाँ आ जाएगा बच्चों 15 में से 8 आ जाएगा, तो 85 हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, 85 हमारी क्या हो जाएगी, चौथी संख्या हो जाएगी। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं स्टूडेंट, क्या कह रहा है 8 में, कह रहे कक्षा 5 के 10 विद्यार्थियों का औसत अंक, सॉरी औसत अंक नहीं, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त हुए अंक इस प्रकार हैं, तो हमें क्या निकालना औसत, बच्चों सभी को जोड़िए और उसी से भाग लगाइए, जैसे 18 प्लस बच्चों कितना है 24 बच्चों 36, बेसिक लगा दीजिए, ये सब क्वेश्चन आपके लिए ख़त्म है एकदम से, 10 प्लस बच्चों 92 प्लस बच्चों 17 प्लस बच्चों आ जाएगा 52 प्लस बच्चों आ जाएगा आपका 72 प्लस बच्चों आ जाएगा 80। अब बटे में कितना है बच्चों 10, क्योंकि 10 हैं, देख लिए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या है, 10 से भाग लगा देंगे। औसत क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, 10 विद्यार्थियों का था इसीलिए 10 सभी को जोड़ लिए और 10 से भाग लगा दिए, 10 विद्यार्थियों का औसत था। अब हमें सबको जोड़ना है, देखिए 8 4 12 12 6 18 18 6 22 22 में 0 जोड़ेंगे, ठीक है 8 4 12 12 6 18 18 4 22 22 में 0 जोड़ेंगे तो 22 22 2 24 24 7 कितना हो जाएगा 24 बच्चों में 24 7 31 हो जाएगा, और 31 में 2 जोड़ देंगे 31 2 31 2 33 33 में 2 जोड़ देंगे 35 35 में 0 जोड़ेंगे तो 35 कैरी 3। अब बच्चों यहाँ 1 है 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 11 11 में 9 20 20 1 20 1 21 21 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21 5 21 5, तो 21 में 5 जोड़ना है बच्चों, कैरी 3 है ध्यान देना है, 21 में 5 जोड़ देंगे तो 21 5 हो जाएगा 26 26 में 7 जोड़ देंगे बच्चों, 26 में 7 जोड़ देंगे 33 33 में 8 जोड़ दीजिए 33 में 8 जोड़ दीजिए तो 41, और 41 में कितना जोड़ देना है 3 44 44। अब बटे में 10, एक बार फिर से जोड़ लेना, अगर हमारा रॉन्ग आएगा तो एक बार हमें जोड़ना पड़ेगा, बट नहीं सही है ठीक है। और ये बच्चों एक अंक पे दशमलव लग जाएगा तो 44 दशमलव कितना आ जाएगा 5, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम हुई, नहीं हुई बच्चों। अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, ठीक है 9 बात कर लेते हैं। 9 में क्या कह रहा है, कह रहा 40 86 120 36, ठीक है ये रन है, क्या कह रहा है कि सचिन ने 40 86 120 36 रन और गांगुली ने 54 24 140 और 74 रन बनाए, बताइए कि किसके द्वारा रनों की संख्या, रनों का औसत अधिक है, मतलब औसत किसका है, दोनों का औसत निकाल लीजिए, सचिन का ये है, ये सचिन है और ये गांगुली है, तो गांगुली का मैं लिख लेता हूँ 54 24 140 74। अब देखिए इनको हम जोड़ लेंगे, अब भाग लगाएंगे बच्चों 4 से, इनको भी बच्चों जोड़ लेंगे, भाग लगाएंगे बच्चों 4 से, सिंपल सी बात है। अगर अब बच्चे जिसका योग ज़्यादा आएगा उसका ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ संख्या समान है 4 4 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी को जोड़ लीजिए, तो 6 और 4 6 में 0 जोड़ेंगे 6
छः बारह में कि दो, आठ चार बारह और बारह दो कितना हो जाएगा बच्चों, चौदह में तीन जोड़ देंगे तो सत्रह, सत्रह एक अट्ठारह कि आठ और एक दो, बड़े में बच्चों चार। यहाँ कर लीजिए, ये सचिन का, ये गांगुली का कर रहे हैं, तो चार चार आठ, आठ चार बारह और पाँच दो सात, सात चार ग्यारह, पाँच दो सात, सात चार ग्यारह, ग्यारह में सात जोड़ देंगे बच्चों अट्ठारह, अठारह एक उन्नीस, ठीक है, और ये दो जोड़ देंगे 292 बटे चार। अब आपको दिख रहा है कि गांगुली का ही ज़्यादा आएगा औसत, क्योंकि आप भाग लगाएंगे बच्चों वही सबसे ज़्यादा आएगा, क्योंकि जिन दोनों का अगर कॉमन नहीं होता तो अलग अलग आता, चार चार बराबर है तो जो गांगुली का ही ज़्यादा आएगा, आप भाग लगा के देख लीजिए, करके देख लेते हैं। चार सत अट्ठाईस बच्चों, ठीक है, चार सत अट्ठाईस जीरो हो जाएगा, ठीक है, और दशमलव बढ़ाएंगे तो बीस हो जाएगा और चार पंचे बीस, ऐसा सत्तर दशमलव पाँच, इसमें भाग लगाएंगे तो चार सत अट्ठाईस और चार दिए बारह, ठीक है, ये तो पूरा कट गया, तो ज़्यादा किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है तिहत्तर, ठीक है, क्लियर। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, गांगुली सबसे अधिक औसत है तो गांगुली राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर टेन, टेन क्वेश्चन तक हम लोग आज करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर टेन तक करते हैं। कह रहा तीन संख्याओं का औसत 9 है, पहली दो संख्याओं का औसत 12 है, तो तीसरी संख्या, ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है बच्चों। कैसे करेंगे आप, डायरेक्टली बच्चों योग निकालेंगे, तीन संख्याओं का योग निकाल लेंगे, योग निकालने का तरीका आपको सिखा चुके हैं बच्चों। जितनी संख्या है, तीन संख्या तीन, औसत कितना है 9, 9 त्रिक कितना हो जाएगा बच्चों 27। अब दो संख्याओं का दे रहा औसत, तो योग निकालिए दो का, दो निकालने का मतलब क्या बच्चों, संख्या दो, औसत कितना, तो औसत आपसे कह रहा है बच्चों 12, तो 12 से तो 12 दोनों 24। अब हम तीसरी संख्या में बात करेगा, तीसरी संख्या मतलब यहाँ तीसरी संख्या ही आती है, ठीक है, यहाँ बच्चों तीसरी संख्या ही आती है, इससे मतलब नहीं है, तो यहाँ घटाएंगे तो तीन आ जाएगा बच्चों, तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, 27 में 24 घटाएंगे बच्चों तीन, तीसरी संख्या हमारा तीन हो जाएगा, तो ये ऑप्शन थर्ड है। तो यहाँ तक तो क्वेश्चन, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे बच्चों 11 से, और हम लोग अगले वीडियो में इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, थैंक यू।